वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड चैप्टर, जो केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है। और इसका जो सिलेबस है वो है ये बीएससी सेकेंड सेमेस्टर, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो चैप्टर नंबर 3 है वो है केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जिसमें एडिनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन, इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में ही केवल डिस्कशन करना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। उसके बाद न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड्स, इनके नोमनक्लेचर्स हैं, कैसे बनते हैं ये, नोमनक्लेचर कैसे किया जाता है इसका, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है और न्यूक्लियोटाइड्स किसे कहते हैं। उसके बाद इनका सिंथेसिस है, स्ट्रक्चर्स हैं उनके पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के, और स्ट्रक्चर है डीएनए का वॉटसन क्रिक मॉडल, और आरएनए, और कितनी तरह के होते हैं आरएनए, जेनेटिक कोड, बायोलॉजिकल रोल्स ऑफ डीएनए और आरएनए, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ये प्रोसेस, सिंथेसिस का प्रोसेस होता है डीएनए का, डीएनए आरएनए का। तो ये वो प्रोसेस है जिसके बारे में, सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है इस टॉपिक का, बहुत छोटा सा सिलेबस है, तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। हमने 40 से 45 क्वेश्चन अपने इस लेक्चर में रखे हैं, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या हैं। ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी में से आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सिलेबस भी जरूर देखिएगा, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आप इस वीडियो को कंसीडर कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बायो मॉलिक्यूल्स आर, तो बायो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ऑप्शन ए इज एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ऑप्शन सी कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स, और एल्कोहल्स। क्या होते हैं ये? तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ लिया है, उसके उसके ऊपर भी हमने एमसीक्यू का वीडियो भी बनाया है, वो आपने अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके जरूर देखिए वो वीडियो। प्रोटीन पे जो वीडियो है वो आने वाला है, जस्ट न्यूक्लिक एसिड के बाद अगला जो वीडियो होगा वो प्रोटीन्स के ऊपर होगा, आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमेटीन इज कंपोज्ड ऑफ, क्रोमेटीन किससे बना होता है, मतलब जो उसका कंपोजिशन होता है वो क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड ओनली, प्रोटीन ओनली, ग्लूकोज एंड न्यूक्लिक एसिड। इसका आंसर है ऑप्शन ए, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। मींस जो क्रोमेटीन होता है उसे न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों को मिला देते हैं तो उसे हम क्रोमेटीन बोलते हैं। नेक्स्ट है एब्रिवेशन डीएनए स्टैंड्स फॉर, मतलब आपको सिर्फ ये बताना है कि डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। इसको किसी भी अलग तरह भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसमें डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये दो तरह के फॉर्म होते हैं, जिसे डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड को बोलते हैं डीएनए और राइबो न्यूक्लिक एसिड को बोलते हैं आरएनए। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसे हम कहते हैं डीएनए। नेक्स्ट है द बेसिक रिपीटिंग यूनिट ऑफ डीएनए, तो बेसिक यूटिंग यूनिट जो रिपीट होता रहता है डीएनए स्ट्रक्चर के अंदर वो क्या होता है? ऑप्शन है आपके पास न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, हिस्टोन्स एंड अमीनो एसिड। ये चार ऑप्शन है आपके पास, जो आंसर है वह है ऑप्शन बी, न्यूक्लियोटाइड। तो बेसिकली आपसे पूछा जाए कि भाई डीएनए में जो वो यूनिट कौन सा है जो रिपीट होता रहता है, जिसकी वजह से डीएनए बनता है या कंपोज होता है, तो उसका नाम है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? शुगर यूनिट होता है और उसके साथ में फोस्फेट ग्रुप लगा रहता है। नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड्स आर अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड मोनोमरिक यूनिट्स, ईच न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ, तो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं पॉलीमर, जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो सिंपली पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, मोनोमर यूनिट होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कशन किया है कि रिपीटिंग यूनिट क्या होती है, तो न्यूक्लियोटाइड होती है। तो इस लाइन को जस्ट उसको थोड़ा सा घुमा के लिखा हुआ है यहाँ पे कि न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड मोनोमरिक यूनिट्स, मीन्स जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर्स होते हैं। तो सभी न्यूक्लियोटाइड्स यानी कि ईच न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ, तो न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? बेस, शुगर, OH। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको लास्ट स्लाइड पे ही बताया है उसमें क्या होता है, आप शायद आंसर गेस कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज बेस, शुगर, OH, शुगर फॉस्फेट, बेस शुगर फॉस्फेट और बेस शुगर फॉस्फेट एक्स। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, बेस शुगर फॉस्फेट। नेक्स्ट है एटीपी इज एडिनिन ट्राइफॉस्फेट इज न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, विटामिन और न्यूक्लिक एसिड। ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है,
एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, और ये सोर्स ऑफ एनर्जी होता है हमारी बॉडी के अंदर। मतलब ये जिसके जब फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो ये काफ़ी एनर्जी रिलीज करते हैं, और इसी एनर्जी से हम अपनी जो डेली रूटीन के काम होते हैं उसे करने के लिए हम एनर्जी यहीं से लेते हैं। तो इसको स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है एटीपी को। तो आप ध्यान रखिएगा, इस पे भी कोई ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी, तो एटीपी इज अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। फिलहाल हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि इसमें बेस है, शुगर है और फॉस्फेट है, और इन तीनों के कॉम्पोजिशन से जो बनता है उसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन न्यूक्लियोटाइड इज, यानी कि द शुगर मॉलिक्यूल जो न्यूक्लियोटाइड होता है, अभी हमने जो डिस्कस किया न्यूक्लियोटाइड, उसके अंदर जो शुगर मॉलिक्यूल होता है वो कौन सा होता है, ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज और हेक्सोज। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये पांच पांच की रिंग है, पांच कार्बन की रिंग है, ये वाली जितने की रिंग होती है उसी को हम बोलते हैं ट्राइओज बोलेंगे, अगर तीन कार्बन की चेन हो या रिंग हो, चार कार्बन की तो टेट्रोज, पांच कार्बन की पेंटोज और हेक्सोज बोलेंगे छह कार्बन। तो यहाँ पे जो रिंग है वो है पांच कार्बन की, इसलिए इसे बोलते हैं पेंटोज। अगर ये छह कार्बन वाली चेन होती या रिंग होती तो उसे हम बोलते हैं हेक्सोज। ये डिस्कशन हम ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट्स के अपने एमसीक्यू वाले वीडियो में कर चुके हैं। नेक्स्ट है द शुगर फाउंड इन डीएनए इज, ये सारे क्वेश्चन जो हम स्टार्टिंग में कर रहे हैं ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये चैप्टर पढ़ के आपको नॉर्मली आने भी चाहिए, इसके लिए किसी बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। आप शायद 11th और 12th में भी ये टॉपिक्स पढ़ के आए होंगे, जो एनसीईआरटी की बुक है वो भी आप इन छोटे छोटे टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए आप एनसीईआरटी की 11th 12th की बुक भी पढ़ सकते हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट एक बायो मॉलिक्यूल के नाम से एक चैप्टर है, शायद 17th और 18th चैप्टर, मे बी वो चैप्टर आगे पीछे हो गया हो, सिलेबस रिवाइज होता रहता है इसलिए। अदरवाइज बायो मॉलिक्यूल के नाम से एक चैप्टर है, आप उसे पढ़ सकते हैं, जिसमें बेसिक ये सब दिया हुआ अच्छे से। द शुगर फाउंड इन डीएनए इज राइबोस, डीऑक्सी राइबोस, राइबुलोज और एराइथ्रोज। तो ऑप्शन ए राइबोज इसका गलत आंसर है, ऑप्शन बी डीऑक्सी राइबोज इसका करेक्ट आंसर है। बीटा डी टू डीऑक्सी राइबोज का मतलब होता है जो टू पोजीशन है इसकी वहां पे ओएच नहीं है, डीऑक्सी का मतलब होता है यहाँ पे एच लगा हुआ है इन प्लेस ऑफ ओएच, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द शुगर फाउंड इन आरएनए इज, तो शुगर इसमें क्योंकि यहाँ पे जो डीएनए होता है उसमें ये ओएच नहीं होता है तो उसे डीऑक्सी बोलते हैं, और अगर इसमें एच लगा ओएच लगा हुआ है तो इसे हम बोलेंगे सिंपली राइबोस। तो जो आरएनए होता है उसमें दोनों पे ओएच होता है, सेकेंड और थर्ड कार्बन पे, तो इसे राइबोस बोला जाता है, और जो डीएनए होता है उसमें सेकेंड कार्बन पे ओएच नहीं होता इसलिए उसका नाम होता है टू डीऑक्सी राइबोस। नेक्स्ट है न्यूक्लियोसाइड कंटेन, अभी थोड़ी देर पहले हमने न्यूक्लियोटाइड्स किया था, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपसे न्यूक्लियोसाइड पूछा जा रहा है, साइड में SIDE है लास्ट के जो चार अल्फाबेट हैं, और टाइड में क्या होता है TIDE होता है, ठीक है। तो इसमें हमने स्ट्रक्चर बना रखा, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड, इसमें फॉस्फेट नहीं होता है बस। तो बेसिकली जो न्यूक्लियोसाइड होता है उसमें क्या होता है, बेस और शुगर, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, बेस और शुगर। और जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसका आंसर, अगर यही क्वेश्चन में पूछा जाता न्यूक्लियोटाइड्स क्या है तो इसका आंसर होगा बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, बेस एंड शुगर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, प्यूरीन बेस फाउंड इन आरएनए इज, तो प्यूरीन बेस जो होता है वो आरएनए में पाया जाता है, और उसका क्या नाम होता है, साइटोसिन, थायमिन, ग्वानिन और यूरासिल। तो ये आपको एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक 11th 12th से ही है, आपको शायद आता भी हो ये क्वेश्चन, जो इसका आंसर है वो है ग्वानीन। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर पिरिमिडीन बेस, नंबर ए ऑप्शन ए इज सिंगल कार्बन नाइट्रोजन रिंग, नंबर बी हेट्रोसाइक्लिक रिंग, नंबर सी एग्जाम्पल्स आर साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल, और ऑप्शन डी टू फ्यूज्ड कार्बन नाइट्रोजन रिंग। आपको नीचे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है पिरिमिडीन बेस, इनके बारे में ही चारों लाइनें लिखी हैं, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी टू फ्यूज्ड कार्बन नाइट्रोजन रिंग, यानी कि ये करेक्ट नहीं है क्योंकि जो पिरिमिडीन होते हैं वो सिंपल एक रिंग होती है इसके अंदर, इसमें फ्यूज रिंग नहीं होती है। अगर ये पिरिमिडीन है, अगर प्यूरिन बेस की बात की जाए तो प्यूरिन में दो कार्बन, सॉरी दो रिंग्स होती हैं। आप मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में जाके दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देखिए ये प्यूरिन रिंग है ग्वानिन एंड एडिनिन,
तो इसमें दो रिंग्स हैं, जबकि जो पिरिमिडीन है उसमें सिंगल रिंग है। तो आपको थोड़े से स्ट्रक्चर पढ़ने पड़ेंगे, स्ट्रक्चर हमारे सिलेबस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए लैक्स द नाइट्रोजन बेस ऑफ, तो आरएनए में नाइट्रोजन बेस जो होता है वो कौन सा नहीं होता है? ऑप्शन ए इज थायमिन, साइटोसिन, यूरासिल एंड एडिन। करेक्ट आंसर इज थायमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेस इज नॉट फाउंड इन डीएनए, मतलब कौन सा वो नाइट्रोजन वाला बेस है जो डीएनए में नहीं पाया जाता? थायमिन, साइटोसिन, यूरासिल एंड एडिनिन। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यूरासिल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द कंपोनेंट्स ऑफ आरएनए, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन एंड एडिनिन। ये सारे क्वेश्चन जो स्ट्रक्चर बेस्ड हैं इनमें से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, आप ध्यान से सारे क्वेश्चन को करिएगा। बेसिकली स्ट्रक्चर को एक बार ढंग से पढ़ लेंगे तो सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे, अदरवाइज आपको स्ट्रक्चर और क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको स्ट्रक्चर को एक बार थोड़ा सा अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा या कॉपी पर उसके स्ट्रक्चर को बना के देखना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रक्चर के थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो जितने भी क्वेश्चन हम 5-7 डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर के ऊपर, ये सारे क्वेश्चन आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्ट्रक्चर एक बार क्लियर हो जाएगा तो आपको ये सारे क्वेश्चंस इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द कंपोनेंट्स ऑफ आरएनए, आरएनए का कंपोनेंट क्या नहीं होता है? ऑप्शन सी थायमिन जो होता है वो आरएनए में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिडीन प्रेजेंट इन आरएनए इज, तो यूरिडीन जो आरएनए में प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स, पिरिमिडीन, प्यूरीन और न्यूक्लियोसाइड। तो ये होता है न्यूक्लियोसाइड, ऑप्शन डी इज न्यूक्लियोसाइड। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ेगा आपके माइंड को, जिससे आपको क्लियर कट डिफरेंशिएशन कर पाओ दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों ही जो वर्ड्स हैं वो काफी मिलते जुलते हैं, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए इसे याद रख पाना। तो इस पे अगर क्वेश्चन आता है तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इस पे आप घर पे ही अच्छे से प्रैक्टिस करके चलें कि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोटाइड कंटेन ओनली राइबोस शुगर एंड नॉट डीऑक्सीराइबोस, यानी कि आपको बताना है कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड है जिसमें राइबोस शुगर है, डीऑक्सीराइबोस नहीं है। ऑप्शन ए थायमिन पेंटोस शुगर फॉस्फेट, ऑप्शन बी यूरासिल पेंटोस शुगर फॉस्फेट, ऑप्शन सी थायमिन पेंटोस शुगर फॉस्फेट और ऑप्शन डी साइटोसिन पेंटोस शुगर फॉस्फेट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी यूरासिल पेंटोस शुगर फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? नंबर ए, ऑप्शन ए है शुगर कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज डीऑक्सीराइबोस, ए पेंटोज शुगर मॉइटी इज अटैच टू न्यूक्लियोटाइड थ्रू अ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ऑप्शन सी राइबोज इज द शुगर कंपोनेंट ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड एंड लास्ट ऑप्शन इज शुगर मॉलिक्यूल ऑफ द न्यूक्लियोटाइड इज इन एल कॉन्फिग्रेशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पेंटोज शुगर जो होता है वो अटैच होता है न्यूक्लियोटाइड से एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू। ये है करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पेंटोज शुगर और न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंजाइम दैट जॉइन द एंड ऑफ टू स्ट्रैंड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज, पॉलीमरेज, लाइगेज, सिंथेटेज और हेलिकेज। आप देख रहे हैं मैंने कुछ स्लाइड्स में नीचे ये रेड कलर में लाइनें लिखी हुई हैं, ये लाइनें आपके रेफरेंस के लिए दी हुई हैं, ताकि अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा और डीप में पढ़ना चाहें तो ये लाइनों को पढ़ सकते हैं, आपको थोड़ा सा हिंट मिलेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी लाइगेज, मतलब जो एंजाइम होता है वो टू स्ट्रैंड्स को जो जोड़ता है उसे हम लाइगेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक म्यूटेशन अकर इन प्रोटीन, आरएनए, डीएनए और न्यूक्लियस, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, डीएनए। आपने सुना भी होगा म्यूटेशन करा के कुछ कुछ बनाया जाता है, लैब में रिसर्च की जाती है म्यूटेशन के ऊपर काफी ज्यादा, जो बायोकेमिस्ट्री की लैब्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, किस में प्रेजेंट होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड? न्यूक्लिक एसिड्स इन न्यूक्लियोटाइड, मोनोसैकेराइड्स इन पॉलीसैकेराइड्स, अमीनो एसिड्स इन पॉलीपेप्टाइड और फैटी एसिड्स इन डायग्लिसराइड। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, जो फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं, और ये होता है न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डीएनए एंड आरएनए फॉस्फेट ग्रुप इज प्रेजेंट एज, ग्लाइकोसिडिक, फॉस्फोमोनोएस्टर, फॉस्फोट्राइएस्टर और फॉस्फोडाइएस्टर। आंसर इज फॉस्फोडाइएस्टर, इसमें डाइएस्टर फॉर्म में होता है, जो डीएनए आरएनए में जो फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है इसको हम डाइएस्टर फॉर्म में बोलते हैं, दोनों तरफ ऑक्सीजन होता है फॉस्फोरस के साथ में।
डीएनए मॉडल गिवन बाय, डीएनए का जो मॉडल था वो किसने दिया था? माइकल फेराडे, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, एंड्रू फिलिप और पी जॉनसन। तो इसका करेक्ट आंसर है जेम्स वॉटसन एंड क्रिक। इन्होंने सबसे पहले डीएनए के स्ट्रक्चर को इलुसिडेट किया था 1953 में। हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन साइटोसिन एंड ग्वानिन? कितने बॉन्ड होते हैं इनके बीच में स्ट्रक्चर में, जैसा कि आप देख सकते हैं 1, 2 एंड 3। तो जी और सी के बीच में तीन स्ट्रक्चर होते हैं। सेम अल्टरनेटिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ए टी यानी कि ए टी के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, तो उसका आंसर होता है 2। एडेनिन एंड थायमिन के बीच में 2 बॉन्ड होते हैं और साइटोसिन एंड ग्वानिन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 3 बॉन्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम जो क्वेश्चन मैंने अभी अभी डिस्कस किया है वो अगली स्लाइड का हमारा क्वेश्चन है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा जिसमें 2 बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू स्ट्रैंड्स इन ए डीएनए इज जॉइंट बाय कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं दो शुगर मॉइटी के बीच में जो जो रिंग्स हैं पुरीमीन पिरिमिडीन और पुरीन रिंग्स, इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहे हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। इसको वॉटसन क्रिक बॉन्डिंग भी बोला जाता है क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन वॉटसन ने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बिटवीन एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स इन न्यूक्लिक एसिड। तो जो पहला ऑप्शन है 3' फॉस्फेट ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन द 3' हाइड्रोक्सिल ऑफ नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड, 3' फॉस्फेट ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन द 5' हाइड्रोक्सिल ऑफ द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड, 5' फॉस्फेट ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन द 5' हाइड्रोक्सिल ऑफ नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड, और 5' फॉस्फेट ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन द 3' हाइड्रोक्सिल ऑफ नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 5' फॉस्फेट ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन द 3' हाइड्रोक्सिल ऑफ नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, नेक्स्ट है एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइंट बाय, ये क्वेश्चन शायद हमने एक बार कर लिया है इसका, सॉरी एडजेसेंट, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के है, सेम क्वेश्चन नहीं है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग को पूछा गया था, इस बार पूछा गया है न्यूक्लियोटाइड्स को कैसे जोड़ा जाता है। तो वो जोड़ा जाता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, पीओपी, जो ये गोल राउंड सर्कल में आपको नजर आ रहे हैं ये वाले बॉन्ड की बात हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स को फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डीएनए सेगमेंट्स कंटेन 100 एडेनिन एंड 100 साइटोसिन, हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट इन द सेगमेंट? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 400। ठीक है, क्योंकि जितने एडेनिन होंगे उतने ही उसमें वो होंगे, क्या बोलते हैं, साइटोसिन, सॉरी एडेनिन, ऐसे ही जितने साइटोसिन होंगे उतने उसमें ग्वानिन होंगे। तो हम चार जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो आएगा वो 4 × 100 होगा और वो हो जाएगा 400। तो इसका आंसर होगा 400। तो सिंपली जो भी यहाँ नंबर्स रहेगा आपको उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, दैट विल बी आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ 1 टन ऑफ डीएनए इज 3.4 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम और 3.04 एंगस्ट्रॉम। तो जो इसका आंसर है वो है 34 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट है, द विड्थ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज, विड्थ कितनी होती है, 15 एंगस्ट्रॉम, 3.4 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम और 25 एंगस्ट्रॉम। तो आपको पता होना चाहिए तो विड्थ होती है जो डीएनए की वो होती है 20 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। द लेंथ ऑफ डीएनए हैविंग 23 बेस पेयर इज, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ईच टर्न ऑफ हेलिक्स कितना है, 24 एंगस्ट्रॉम, विथ 10 बेस पेयर जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, जो हमने अभी जस्ट सेकंड लास्ट स्लाइड में अभी पढ़ा है। तो ईच पेयर जो होते हैं वो डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम पे होते हैं। अब क्योंकि इसमें 23 है तो हमें सिंपली इसे 23 से मल्टीप्लाई करना है, 23 को 3.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 78.2 एंगस्ट्रॉम। तो इसका आंसर हो जाएगा 78.2 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, लेफ्ट हैंडेड डीएनए को क्या बोलते हैं? बहुत सिंपल सा आंसर है, जेड डीएनए होता है, लेफ्ट हैंडेड। और जो एबीसी डीएनए होते हैं ये तीनों राइट हैंडेड डीएनए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेड डीएनए हैव सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, जिगजैग अपीयरेंस, यूरासिल बेस और नन ऑफ द अबव। तो इसमें जिगजैग कॉन्फ़िगरेशन होता है और अपीयरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक कोड इज सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट और क्वाड्रेट। आंसर सी इज सी ऑप्शन, ट्रिपलेट। अगला क्वेश्चन है, आरएनए मॉलिक्यूल्स आर जनरली शॉर्ट एंड डबल स्ट्रैंडेड, लॉन्ग एंड डबल स्ट्रैंडेड, शॉर्ट एंड सिंगल स्ट्रैंडेड,
लॉन्ग एंड सिंगल स्ट्रैंडेड। तो बेसिकली जो आरएनए होता है वो पॉलीमर होता है राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का, जिसमें जिसको जो बॉन्ड्स होते हैं जो इसके अंदर 3-5-4-फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं, और इसके अंदर एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन एंड यूरासिल जो होता है वो बेस के फॉर्म में होता है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, शॉर्ट एंड सिंगल स्ट्रैंडेड। आपको पता होगा जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। मेन फंक्शन ऑफ आरएनए इज हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रिजर्व जेनेटिक इंफॉर्मेशन, सिंथेसिस ऑफ डीएनए और हेल्प इन लिपिड सिंथेसिस। तो आपको पता होना चाहिए जो डीएनए होता है वो रेप्लिकेशन करके आरएनए बनाता है, जो ट्रांसलेशन करके प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो जो आरएनए का रोल हुआ वो हुआ हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। सेंट्रल डोगमा इज, व्हाट इज सेंट्रल डोगमा? रेप्लिकेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन और नन ऑफ द अबव। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसक्रिप्शन मींस, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, इंफॉर्मेशन इज पास फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए, एमआरएनए को बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए, इंफॉर्मेशन इज पास फ्रॉम एमआरएनए इनटू डीएनए। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंफॉर्मेशन इज पास फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ आरएनए प्रेजेंट इन हाईएस्ट अमाउंट? तो सबसे ज्यादा जो अमाउंट होता है वो आरएनए कौन सा होता है? टीआरएनए, आरआरएनए, एचआरएनए और एमआरएनए। ये चारों ही जो अल्फाबेट है टी आर एन एच एम, ये चारों ही कैपिटल फॉर्म में लिखे जाते हैं। आपके रेफरेंस के लिए मैंने नीचे दिया हुआ है, जो मैसेंजर आरएनए होता है वो 5-10% होता है, ट्रांसफर आरएनए जो 10-20%, और राइबोसोमल आरएनए जिसे आरआरएनए भी बोला जाता है वो होता है 50-80%। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, आरआरएनए जिसे राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ऑफ टी आर एन ए इज, तो स्ट्रक्चर बताना है आपको इसका, कैसा स्ट्रक्चर होता है? टी शेप, एस शेप, क्लोवर शेप और डी शेप। आंसर इज क्लोवर शेप। आज की स्लाइड में इतना ही। न्यूक्लिक एसिड जो चैप्टर है वो बहुत बड़ा नहीं था, हमने कोशिश किया कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इसमें डिस्कस किया जाए, हमने किया भी है। होपफुली ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी और आपके एग्जाम में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। थैंक यू वेरी मच।